वेलकम टू सरमीज किचन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आइए, आज मेरी किचन में मैं क्या बनाने जा रही हूँ उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी किचन में बनाऊंगी बची हुई रोटी से टाकोस। बाजार से लाई नहीं हूँ और ना ही मैं उसका डो बनाई हूँ, आज मैं रोटी से टाकोस बना रही। तो उसके लिए ली हूँ बासी रोटी और मैं फिलअप करूंगी मैगी। मैं कोई वेजिटेबल से नहीं कर रही हूँ, मैगी से कर रही हूँ। तो इसके लिए ली हूँ 2 पीस मैगी ली हूँ और उसका मैगी मसाला ली हूँ। पहले मैं मैगी को तैयार करती हूँ। मैं 1 गिलास पानी दी हूँ। देखिए, ये मसाला दे दूँगी, मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं ये दोनों मैगी दे दूँगी, दे के इसको पका लूँगी। मैगी पक गया है एकदम ऐसे ही चाहिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच बटर दे दे रही हूँ, बटर मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें मैं बासी रोटी ले ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच सेजवन चटनी मिक्स कर दे रही हूँ, लगा ले रही हूँ अच्छी तरह रोटी में। इसमें गार्लिक मेयोनीज दे दे रही हूँ, तो भी इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, लगा लूँगी। एक साइड करके दूँगी, बीच में नहीं देना है, एकदम साइड करके देना है। मैं टाकोस बनाने की रेसिपी आपसे बाद में शेयर करूँगी, अभी मैं बासी रोटी से बना के दिखा रही हूँ। ऐसा करके मैं मैगी भरती हूँ एक साइड में, अच्छी तरह इसको साइड कर लेना है। चीज़ ग्रेट कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी ऐसे करके। फ्राई पैन में इसको अच्छी तरह कड़क करके मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लूँगी। मैं 1 चम्मच तेल देके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, फिर कड़क फ्राई हो गया। अब मैं इसको मीडियम करके थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ पकड़ के। दोनों साइड फ्राई करने के बाद में इसे बीच में रख के भी फ्राई कर लेना है। इसको एकदम मीडियम फ्लेम में कड़क फ्राई करना है, एकदम कड़क, जैसे हम लोग पापड़ खाते हैं वैसे ही इसको फ्राई करना है। तो मैं एकदम कड़क फ्राई की हूँ, ये देखिए पूरा हार्ड हो गया। अब नीचे से भी ऐसे फ्राई हो गया और मैं उतार ले रही हूँ। इस तरीके का बनाइए बासी रोटी से, बच्चों का स्नैक्स भी हो जाएगा या नाश्ता भी हो जाएगा। मेरी रेसिपी तैयार है, आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।